जब किसान बढ़ता है अपने खेत खलियान के लिए, मन में विश्वास और सोच प्रगति के लिए, और एक दोस्त आने वाले खतरे के बारे में सचेत करता है और कहता है, अरे भाई झूमते हुए कहाँ जा रहे हो? अपनी हरियाली की तरफ। और कहाँ? हरियाली में कहीं भूल ना जाना गुलाबी सुंडी के खतरे को। हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो चलो, रॉकेट के आने का टाइम हो रहा है, परंतु कहाँ से तैयारी शुरू करें? फसलों को नुकसान से बचाना है। हाँ, इसी सोच में हूँ, कहीं इस साल भी फसल में नुकसान हुआ तो। मैं पीआई से हूँ, कपास की फसल का विशेषज्ञ। आओ तुम्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में बताता हूँ और कैसे इसका प्रयोग करना है ये बताता हूँ। ये तो एक प्रदर्शनी। सही कहा, इससे हम कपास की खेती के नुकसान से बचाव की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये है वो पतंगा जो करता है फसलों का नुकसान गुलाबी होने के कारण। नाम है इसका कपास की गुलाबी सुंडी या पिंक बॉल वॉर्म। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को समझने के लिए इसके दोनों चरणों को समझना जरूरी है। कपास की फसल की शुरुआती अवस्था में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को पहला चरण कहा जाता है। पिछले साल के भंडार से अनुकूल परिस्थितियों के चलते प्यूपा खुद को पतंगे में बदल देते हैं। इसके पश्चात पतंगे अंडे देते हैं और अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। लार्वा फूलों के अंदर घुसकर पराग को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे फूलों का आकार बदल जाता है। गुलाबी सुंडी पर पहले चरण में नियंत्रण करना अपेक्षाकृत आसान और सस्ता है। इस चरण में रॉकेट का प्रयोग करके गुलाबी सुंडी के अंडों व लार्वा की संख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। कपास की फसल में जब कॉटन बॉल बनने लगते हैं, तब गुलाबी सुंडी का दूसरा चरण शुरू होता है। गुलाबी सुंडी की दूसरी अवस्था पर पतंगे फिर से अंडा देते हैं तथा इन अंडों से 3 से 5 दिन के भीतर लार्वा निकलकर टिंडों में प्रवेश कर जाते हैं। गुलाबी सुंडी के इस चरण पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा हो जाने के साथ पूरी तरह टिंडों में घुस जाते हैं, जिसके पश्चात लार्वा विकसित होना शुरू कर देते हैं और 3 अवस्थाएं टिंडों के अंदर ही पूरी करते हैं। 12 से 15 दिन में फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और लगातार एक बीज से दूसरे बीज को खाते हुए नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को बर्बाद करने के बाद लार्वा टिंडों में से निकलकर जमीन पर उतर आते हैं और प्यूपा का रूप ले लेते हैं। 7 से 8 दिनों में प्यूपा से पतंगे बाहर निकल आते हैं और ये पतंगे 1 से 2 महीनों तक जीवित रहते हैं और शुरू के 10 दिन में ये पतंगे फिर से अपनी प्रक्रिया दोहराते हैं और अंडे देते हैं। समय रहते अपनाए रॉकेट, जिससे खेतों में आए जान और जो करे नुकसान से रोकथाम। रॉकेट कीटनाशक जो गुलाबी सुंडी को जड़ से मिटाने के लिए कारगर है। संपर्क क्रिया, पतंगे के सीधे संपर्क में आने पर रॉकेट इस पर तुरंत असर करना शुरू कर देता है। अंडा नाशक क्रिया, अंडे लंबे समय के लिए खुले में रहते हैं। रॉकेट एक असरकारक अंडा नाशी के रूप में काम करता है और लार्वा के आने से पहले ही उसे मार देता है। सुंडी नाशक क्रिया, रॉकेट लार्वा को टिंडों और बीज में घुसने से पहले ही मार देता है। तो भैया, रॉकेट ही है विश्वसनीय, मान लो मेरा सुझाव। अब होगा अंडों का सफाया और टिंडों का बचाव।